हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अगला भाग देखेंगे, तो शुरुआत करते हैं। 7 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी तौर पर गोविंद विहार तथा गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में पर्यटकों के ऑनलाइन प्रवेश के लिए देश के पहले ऑनलाइन विंडो सिस्टम पथिक का उद्घाटन किया था। यह किस जिला प्रशासन द्वारा विकसित किया गया था? तो यह विकसित किया गया था उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की त्रासदी और पलायन को इंगित करती बद्री द क्लाउड क्या है? बद्री द क्लाउड एक फिल्म है जो उत्तराखंड की त्रासदी और पलायन को इंगित करती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है? तो उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, लेकिन हल्द्वानी इसमें से मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्णप्रयाग की माँ उमा देवी की ध्यान यात्रा प्रत्येक कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती है? तो कर्णप्रयाग की माँ उमा देवी की ध्यान यात्रा प्रत्येक 12 वर्षों बाद आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, चमोली के बाण गांव में लाटू देवता मंदिर का कपाट जो है वर्ष में एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन खुलता है कुछ समय के लिए, तो इस अवसर पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो इस अवसर पर आयोजन किया जाता है बोरी मेले का। चमोली के जो बाण गांव है यहाँ पे लाटू देवता का मंदिर है, इसके कपाट जो है वर्ष में एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन खुलते हैं, ठीक है, और इस वर्ष बोरी मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक मान्यताओं के अनुसार बाण गांव में स्थित लाटू देवता किस देवी के भाई हैं? जो बाण गांव है वहाँ पे लाटू देवता किस देवी के भाई हैं? तो वो हैं नंदा देवी के भाई। अगला प्रश्न है कि अर्धग्रामेश्वर और पैसाना धेला, गुमान सिंह रौतेला, इन नाटकों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अर्धग्रामेश्वर और पैसाना धेला, गुमान सिंह रौतेला, इन नाटकों की रचना की गई थी राजेंद्र धस्माना द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला जिन्होंने मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का खिताब जीता वो कौन है? तो वो है भूमिका शर्मा। ये उत्तराखंड की पहली महिला है जिन्होंने मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का खिताब जीता, भूमिका शर्मा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2017 में 1986 बैच के IPS अनिल कुमार रतोड़ी को उत्तराखंड प्रदेश का 10वां DGP नियुक्त किया गया। यह किस स्थान के मूल निवासी हैं? तो जो DGP अनिल कुमार रतोड़ी हैं ये हैं मसूरी के मूल निवासी। अगला प्रश्न है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना जो थी उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना नाम से चलाने का निर्णय कब लिया गया? यह निर्णय लिया गया था जुलाई 2017 में। अगला प्रश्न है कि द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जो प्रसून जोशी हैं ये उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो प्रसून जोशी उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मूल निवासी हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने अपने किस काव्य में हिमालयो नाम नागादि राजा कहकर हिमालय की वंदना की है? तो वह काव्य है कुमार संभव। अगला प्रश्न है कि वैदिक कालीन उत्तराखंड, ठीक है, या फिर बोले मध्य हिमालय या बोले आर्यों का आदिस्थान, इस यहाँ पर केदार और मानसरोवर किस धर्म के मुख्य केंद्र थे? तो केदार और मानसरोवर शैव धर्म के मुख्य केंद्र थे वैदिक काल में। अगला प्रश्न है कि किस पुराण के अनुसार हिमालय क्षेत्र को 5 खंडों में नेपाल, कूर्मांचल, केदार, जालंधर और कश्मीर में विभाजित किया गया था? किन 5 खंडों में? नेपाल, कूर्मांचल, केदार, जालंधर और कश्मीर, इनमें किस पुराण के अनुसार विभाजित किया गया? तो वह पुराण है स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है कि हिमालय क्षेत्र को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता है? तो हिमालय क्षेत्र को निम्न में से देवभूमि कहा जाता है, रत्नप्रभा कहा जाता है, जम्बू द्वीप कहा जाता है, लेकिन रत्नाकर नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में मानसखंड का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? मानसखंड का विस्तार था नंदा पर्वत से कालगिरी तक तथा केदारखंड का विस्तार था बौद्धांचल से पश्चिम में तमसा नदी तक। अगला प्रश्न है कि केदार तथा मानसखंड का संयुक्त क्षेत्र निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता था? तो केदार और मानसखंड का संयुक्त क्षेत्र निम्न में से इलावर्त कहते थे, खसदिस भी कहते थे, ब्रह्मपुर भी कहते थे, लेकिन पर्वतपुर नाम से नहीं जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु अर्थात गौरी का पिता यह नाम प्रयोग महाकवि कालिदास द्वारा किस महाकाव्य में किया गया है? तो महाकवि कालिदास ने रघुवंश काव्य में गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु अर्थात गौरी का पिता कहा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उत्तर कुरु और दक्षिणी कुरु को जोड़ने वाले क्षेत्र का नाम क्या था? तो उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु को जोड़ने वाले क्षेत्र का नाम था कारुपथ। अगला प्रश्न है, जोहार के स्वर, मुंशियारी और लोक साहित्य पुस्तकों के रचनाकार कौन थे? जोहार के स्वर, मुंशियारी और लोक साहित्य पुस्तकों के रचनाकार थे शेरसिंह पांगती। कौन थे? शेरसिंह पांगती। अगला प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ पीठसैंण में किया गया, यह स्थान निम्न में से किस व्यक्तित्व की जन्मभूमि है? तो पीठसैंण किसकी जन्मभूमि है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया था।
अगला प्रश्न है कि पौड़ी जिले का कौन सा गांव उत्तराखंड प्रदेश का पहला धुआं रहित गांव है? तो पौड़ी जिले का जो नौगांव है यह उत्तराखंड प्रदेश का पहला धुआं रहित गांव है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा ब्लॉक गढ़वाली बोली का पाठ्यक्रम शुरू कर स्थानीय बोली में पाठ्यक्रम शुरू करने वाला राज्य का पहला ब्लॉक बन गया है? तो उत्तराखंड राज्य का ब्लॉक कौन सा है? पौड़ी ब्लॉक, जो है गढ़वाली बोली में पाठ्यक्रम इसने शुरू किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रदेश की सबसे पहली बांस मंडी बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी नामक स्थान पर प्रदेश की पहली बांस मंडी बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद के लिए किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद के मोस्टामानू में जो स्थान है वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।